हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी ज्ञान मुझे स्वागत करुच्छे। आज आम सप्तम श्रेणीर संस्कृत बहर नवम पाठ जोटा ये नवम पाठर कारक प्रयोग आम अलरेडी पढ़ी सारी। ये पाठर आउ गोटे विभाग अच्छे जोटा कि आम तो जानकारी कारक छ प्रकार प्रथमारु षष्ठी तक आम प्रथम कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण यहपरी भाव में आम छटी कारक जानगले। एवं स्वरांत पुलिंग अर्थात स्वर अंत स्वरांत पुलिंग किपरी अच्छी तो सही आम देखा जेटा कि प्रथमा विभक्ति। देख विभक्ति सात प्रकार अच्छे है प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। एवं प्रथमा विभक्तिटा प्रथम कारक रखी जपरी कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक उपादान कारक पांचटी गला। आउ गोटे जो षष्ठी विभक्ति अच्छी ए कारक कौन सी हुए ना यह संबंध पद बोली कही था। आउ सप्तमी सप्तमी विभक्ति षष्ठ नंबर कारक होते जोटा कि अधिकरण कारक। यहपरी भाव में छटी कारक सातटी विभक्तिर संयोग अच्छी तो प्रथम विभक्ति आम कि होता देख एस कह एत कौ एते किए माने कह कौ किए आम जदि देखा प्रश्न अच्छी किए कौ दुईटी क्यों माने यही भाव में तो ये देख गोटे एक बचन थे कह है एसह है दुईटी थी एत कौ है आउ बहुवचन जी आम देखा किए बाते एबे एटा रेड चिन्ह अच्छे से देख ए सह अश्व एतौ असौ एति अश्वाह अच्छे ठीक से हीपरी ए सह गज एतौ गजु एते गजाह अच्छे और तुम्हें एठार कौन करमको अलरेडी प्रथम विभक्ति यहाँ दीदी ठीक अच्छे यहाँ जो अच्छे ये सब प्रथम विभक्ति दीदी आमको द्वितीय विभक्ति आउ बहुवचन को बाछवाक पड़ो देख एक बचन सरी एक बचन दीदी आमको द्विवचन आ बहुवचन बाछवाक पड़ो तो ए सह ग्राम बोले एतौ ग्राम एति ग्रामाह ये सह सर्प आमको देखिए हम एतौ सर्पो एते सर्पाह ये सह शिक्षक एतौ शिक्षक एते शिक्षक ठीक से हीपरी ए सह गज एतौ गजौ एते गजाह दिशी ते गजाह दिशी सह तौ तेर एटा तो ये आम कह ग्राम एटा तौ ग्राम ते ग्रामाह सह सर्प तौ सर्पो ते सर्पाह सह शिक्षक तौ शिक्षक ते शिक्षक एपरी भाव में यहाँ हो ठीक से आम जी पल आसवा एसह कवि एतौ कवि एते कवय एसह अतिथि एतौ अतिथि दीर्घ ही कर माने अतिथि यहाँ एपर दीर्घ ही हम नेक्स्ट अच्छे एते अतिथय एते गिरी ही अच्छी एतौ गिरी गिरी तुम्हें ये पूरा गि रि दीर्घ ही ये द्विवचनटा यठार प्रयोग करतौ गिरी करते गिराय कर ठीक से सह अतिथि अच्छी तौ अतिथि ते अततः सह गिरी ही तौ गिरी ते गिरय एपरी भाव तुम्हें कर। नेक्स्ट अच्छी ए सह शिशु एते शिशव ए सह पशु एतौ पशु पशु सुरे कौन हे बोले यहपरी दीर्घ करा पशु मान यपरी भाव में पशु दीर्घ हे ये दुई वचन एते पशव एते ए सह तरु एतौ तरु एते तरव सह पशु अच्छी ते तौ पशु दीर्घ कर ते पशव कर सह तरु तौ तरु ते तरवह यहपरी भाव तुम कर। नेक्स्ट ए सह पिता एतौ पितरौ एते पितरह अच्छी एसह यटा रुकारंत एसह भ्राता एतौ भ्रातरौ एते भ्रातरह एसह जामाता एतौ जामातौ एते जामातरह कर सह भ्राता तौ भ्रातरौ ते भ्रातरह सह जामाता तौ जामातरौ ते जामातर जामातर बोलिकी कह ठीक अच्छे। एपरी भाव में यहाँ पुलिंग गला यार आम स्त्रीलिंगटा देखने सेम सेपरी एसा माला एते माले सा माला यहपरी भाव में अच्छी तो ये देख एसा लता एते लते एता लता सा लता ते लते ताहा लता अच्छी तुम्हें कौन कर एसा एसा बालिका एते बालिके एताह बालिका एसा विद्या एते विद्ये एताह विद्या सा बालिका जगह कौन हे ये ते बालिके ताहा बालिका सा विद्या जगह ते ते वैद्य ताहा वैद्या। नेक्स्ट पल आसवा ए सह रात्रि जगह एते रात्रि रात्रिटा कौन हे पूरा ठीक से त्रिटा एपरी दीर्घ ही हे ठीक अच्छे। एता एताह रात्रयः एसा भक्ति ही एते भक्ति
एताहा भक्तायः सा रात्रि ते रात्रि ताहा रात्रयः सा भक्ति ते भक्ति ताहा भक्तायः एभरि भावरे एषा कूपी एते कूपौ एताहा कूप्यः एषा जननी एते जननौ एते जनन्यः सा कूपी ते कूपौ ताहा कूपयः सा जननी ते जनन्यौ ताहा जनन्यः एषः रज्जुः एते रज्जु रज्जुटा दीर्घौ करिब एताः रज्जुवः एषा चञ्चुः एते चञ्चु एताः चञ्चुवः सा रज्जु ते रज्जु ताः रयवः सा चञ्चु ते चञ्चुः ते चञ्चुगला ताः चञ्चवः एषः शिशुः एषः श्वश्रुः एते श्वश्रौ एताः श्वश्रयः एषा तनुः एते तन्नौ एताः तनयः सा श्वश्रु ते श्वश्रुजि ताः श्वश्रुजि सा ता तनुः ते तन्नु ता तनुः एपरि भावरे स्त्रीलिङ्ग मध्ये श्रीगला नेक्स्ट पाठरे मुँ तुमको दशम पाठ देवी आम चैनल से जोड़ी रही था।